खुशामदी नाजरीन, नया इंकलाब न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए देखिए आज की अहम खबर। आज की अहम खबर हम आपको हमारे मसाइल पूरे करो। पेंडिंग बिल पास करो, न्यूज़पेपर से पेंडिंग बिल पास करो। उर्दू स्मॉल पेपर से पेंडिंग बिल पास करो। उर्दू के मसाइल हल करो। तेलंगाना गवर्नमेंट बजट सेंक्शन करो। मैं सदर काउंसिल आपसे मुखातिब हूँ कि जो है उर्दू के जेर देरीना मसाइल के लिए हल के लिए हम जो है ना ये एहतजाज कायम करे हैं और तेलंगाना हुकूमत से चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर हमारा बजट जो है ना पास करे और उर्दू को जो है मैक लेवल पे आप सीट रेट जो है तरक्की दे बातें करते हैं वो पूरी करे और हमारे साथ इंसाफ करे। ये उर्दू अखबार के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। 3 साल से हमारा बजट नहीं है, लिहाजा जो है ये बजट फौरी तौर पर पास करे। ये हम आपसे आपको इतला देते हैं। अब ये हम जो है प्रोटेस्ट करे हैं। अब इसके बाद अगर जो है ना ये आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम फिर से रैली निकालेंगे। हम जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना उर्दू के हक के लिए जो ना आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज करेंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो है ये हमारे मसले का हल कर दिए, उर्दू के मसाइल पूरे करी। शुक्रिया। बुला के मीटिंग में जो है ना दूसरी मीटिंग में बैठ गए, हम लोग उठा दिए वहाँ। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल वाजिद, आज हम हज हाउस पर धरना दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा धरना काफ़ी कामयाब रहा। इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर हुकूमत अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगी तो हम जो है ना खामोश बैठने वाले नहीं हैं और हम इससे और भी कई जो है ना धरने रोड रोको आंदोलन और जो है ना हम जो है ना रैलीज वगैरह निकालेंगे और जो है ना अगर जल्द से जल्द अगर उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं की गई तो हम जो है ना खामोश नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें, उर्दू जबान को जायज़ मुकाम दें और उसका बजट पास करें। अगर बजट पास नहीं करेंगे तो हम जो है ना आप जिस तरीके से हमारे कान खुश करते हैं उसी तरीके से हमारे पास भी एक वक्त आएगा जो हम भी आपके कान खुश करेंगे। आप लोग सिर्फ वादे ही वादे कर रहे हैं, 15 दिन में बजट हम आपको पास कर देंगे पर 15 दिन में हम जो है ना आपके तमाम मुतालबे पूरे करेंगे, उसके बावजूद भी कोई मुतालबा पूरा नहीं किया जाता, ये क्या इंसाफ है? आप हमारे चंद्रशेखर राव साहब उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा तो देते हैं लेकिन उसको सेकेंड लैंग्वेज की अमलावारी नहीं करते। आप जो है ना उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज नहीं बनाते, आप उर्दू को जो है ना एक मामूली सी जबान की हद तक रख दिए हैं। तो मेरा मुतालबा है चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से कि उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा तो दिया लेकिन इसको मैंडेटरी भी करे, हर स्कूल में जो है ना मैंडेटरी करे। इससे जो है ना उर्दू टीचर्स को भी नौकरी मिलेगी और उनको भी जो है ना अपना रोज़गार मिलेगा और उर्दू से जब तक उर्दू जो है ना डेवलप नहीं होगी हैदराबाद का हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। एक उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी जो है ना रिलेशन है, जब तक मेरी मादरी जबान अगर मेरे को लिखने पढ़ने नहीं आएंगी जब तक मैं कोई दूसरी जबान को समझ नहीं सकता अच्छी तरीके से, तो मैं और हमको गुमराह करें किया जा रहा है। अब देखिए जैसे कि हमारे मेरे बच्चे खुद तेलुगू पढ़ रहे हैं जबकि मेरा माहौल मेरा उर्दू लैंग्वेज तेलुगू नहीं है, फिर भी उर्दू तेलुगू पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे स्ट्रांग हैं पढ़ने में लेकिन तेलुगू लैंग्वेज में वीक है तो मेरे बच्चों को सही मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं मुतालबा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से कि तेलुगू उर्दू जबान को भी मैंडेटरी करें, उर्दू जबान को भी मैंडेटरी जो है ना करें और जो है ना उसको जायज़ मुकाम दे ताकि जब उसका हक अदा होगा उर्दू का और उर्दू लैंग्वेज को जो है ना डेवलप करने के लिए उसका खास मखसूस बजट अलाट करें और जो है ना इससे जो है मुसलमानों की जो है ना जो मसाइल है वो पूरे हल होंगे। लिहाजा मैं जो है ना उर्दू अखबार का भी बजट पास नहीं हो रहा, आज से 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक जो है ना वो बजट पास नहीं किया गया। क्या बात है बोलिए आप हमारे से पूरा बिल ले लिए हैं, एडवांस रिसीप्ट ले लिए हैं, अभी तक हमारे को बिल नहीं दिया और आप
झूठ पे झूठ बात कर रहे हैं, मीडिया में दल दे रहे हैं कि हम जो है ना उर्दू वालों को जो है ना मीडिया वालों को हमने स्मॉल न्यूज़ पेपर के अकाउंट में पैसे डाल दिए। ये क्या है, कैसा मजाक है ये? आखिर हुकूमत क्या चाह रही, अच्छे अहदेदारों को क्यों नहीं जो है ना नाफिज करती? KCR गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा है अच्छे अहदेदारों को डालें, अच्छे चेयरमैनों को डालें ताकि उर्दू के लिए काम हो सके और आपकी भी नेकनामी होगी। वरना आप खुद लोग आपके अहदेदार अगर आपके कमांडिंग में नहीं चलेंगे तो लोग समझेंगे कि जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी ऐसे ही है जो नाहल अहदेदारों के साथ जो है ना इंसाफ कर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप जो है जल्द से जल्द उर्दू अकेडमी के साथ इंसाफ करें और उर्दू लैंग्वेज के साथ इंसाफ करें और जो है ना जल्द से जल्द दूसरी जबान का दर्जा नहीं बल्कि अमल आवारी दें। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पैटर्न सदर शमशाद अहमद खान पकड़ लो।